Yahuchama, your friend and guide, this class all about childhood and growing up. Sir, ये वो पेपर है बी एड के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर आता है, the very first paper, and we guys need to know कि इसके आंसर कैसे लेने हैं. तो दो चार चीजें समझेंगे कि इस पेपर की तैयारी करते रहते हैं हमें क्या क्या चीजें समझनी. सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो चाइल्डहुड और ग्रोथ से रिलेटेड होना चाहिए. सर चाइल्डहुड ग्रोथ की बात करें तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसे होती है, एक बच्चे की डेवलपमेंट में तो उसके ग्रोथ के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए. यू गाइस नीड टू नो कि चीजें कैसे बदल रही है. एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से उसके टीन एज में आने अलोंग विद द एडोलेसेंस एज एंड द एज वेयर ही गेट टू नो चीजें कैसे बदल रही, उसके हाव भाव, उसका स्कूल, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका नेचर, उसका नॉर्चर, चीजें कैसे बदलती हैं, चीजों को कैसे समझता है, रोल ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ टीचर, सब कुछ इसके अंदर आता है. तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजों को क्लियर करना और बीएड स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम कैसे समझ पाएंगे बच्चे को, तो उसके लिए ये पेपर सबसे इम्पोर्टेंट और डोमिनेंट रोल प्ले करता है. अब हमने कहा इस पेपर की तैयारी करते हुए हमें एक एक फैक्ट्स को ऑन टेप रखना है. जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो हमें बताऊँ पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, पहले बताया था एग्जाम पैटर्न रहने वाला है. आपका पहला क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट नोट्स, जहां कोई चार शॉर्ट नोट होंगे चारों के चारों बने होगा. अगर कोई चार शॉर्ट नोट होंगे चारों के चारों आपको बने होंगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा इसमें, ये चारों बनेंगे. एंड देन वी हैव फोर डिफरेंट ब्लॉक्स, चार अलग अलग यूनिट्स होंगे जिसके अंदर आपको दो दो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें एक आपको बना होगा एक आपको छोड़ना होगा. तो पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन देंगे वो फोर मार्क्स ईच होगा, 16 नंबर के चार क्वेश्चन है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाली. उसके बाद होता है हमारे पास हर यूनिट वाइज दो दो क्वेश्चन, चार यूनिट्स हैं हमारे पास, जो चार यूनिट्स में दो दो क्वेश्चन आएंगे जिनसे एक एक आपने करना है. एंड दैट वन क्वेश्चन कंटेन्स 16 मार्क्स, 16 नंबर होंगे उस एक क्वेश्चन के जो आपको करना है. तो आपने कहा हाँ इसको अच्छे से समझ लेते हैं, देन वी बी एबल टू क्लियर इट. चलो यार लेट्स स्टार्ट द क्लास, ज्यादा लाइन नहीं खराब करते आपका. पहला क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट नोट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब मुझे पहले ग्रोथ को डिफाइन करना होगा, फिर मैं डेवलपमेंट को बताऊंगा. ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों काम कैसे करनी है, दोनों के काम करने का तरीका क्या है, किन चीजों को दिमाग में रखना है ताकि आप समझ पाओ एक्चुअली चीजें कैसे बदल गई, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए. बताने का तरीका क्या होगा, चीजें कैसे किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये आपको अच्छे से बताना. तो पहला क्वेश्चन आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ग्रोथ अगर मैं बोलूँ, एक बच्चे का बड़ा होना, फिजिकली बड़ा होना वो ग्रोथ कराएगा, लेकिन फिजिकली बढ़ने के साथ उसकी मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल एज, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एमिनिटीज, ये चीजें बढ़ना, ये डेवलपमेंट कराएगी. देन पेरेंटिंग साइड बहुत वेरी करते हैं. आपने कहा पेरेंटिंग साइड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है जो हम लोगों को पता होना चाहिए. एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, काम कैसे करता है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टेप पहुंचे. कम टू द नेक्स्ट वन, स्लो लर्नर्स एंड एलेक्सिया. सर डायलेक्सिया जो था नाम सुना, वी हैव हर्ड दिस, किसी मूवी में सुना था. वो एक मूवी आई थी आमिर खान की काफ़ी सालों का, तो तारे जमीन पे वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया तो लेकिन हाँ डायलेक्सिया इशू ही बताया जाए, बच्चा पढ़ नहीं पाता वर्ड्स को, उसकी रीडिंग अच्छी नहीं होती, चीज़ों को समझ नहीं पाता. स्लो लर्नर वो ढीले लर्नर्स होता कि बहुत भाई उसको दो घंटे लग जाते हैं एक पेज याद करने में. अब वो तो स्लो लर्नर्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मेंटल आईक्यू लेवल में डिस्टर्बेंस है, उस पर काम करना होगा. Jump to next one, that we have the group dynamics. The group dynamics क्या होता है, इस पे काम कैसे करेंगे, how we're going to work on group dynamics, चीजें कैसे clear करेंगे, concept कैसे strong हुए, ये बहुत ज्यादा matter करता है जो आपको on tip भी होना चाहिए. That is group dynamics. Next one is learning. Learning क्या होता है, learning पे काम कैसे करेंगे, learning किस तरह की जा सकती है और अच्छे learning पे काम कैसे करेंगे, चीजें कैसे बदलेंगे, ये आपको आना चाहिए. Then knowledge and beliefs. What is knowledge or belief? Knowledge क्या है, belief क्या होता है, दोनों पे काम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, पॉइंट कैसे क्लियर करेंगे, चीज़ों कैसे समझेंगे, ये सब आपको ऑन टिप होना चाहिए तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे. That is knowledge and beliefs. Second, marginalization. ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में कन्फर्म आता है. Marginalization क्या होता है, marginalization कैसे समझते हैं, marginalization को हमारे लिए क्यों marginalization सबसे इम्पोर्टेंट है. Then globalization, making a your country economy the world economy, कि एक economy से पूरी दुनिया काम कर रही है. आपके तो आज के साथ चल रहा है, take an example Amazon, कहीं से कुछ भी order करो आपके घर पे deliver होता है. तो आपने ना ये globalization का ही example है.
इसको हमें समझना है। वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, काम कैसे करती है, करने का तरीका जो है, क्या बेसिक प्रोविजन जो आपको दिमाग में रखना है। तो ये तो भाई कुछ शॉर्ट नोट्स जो आपको पेपर के लिए तैयार करने, एक्चुअली दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स फॉर योर एग्जाम। आगे आते हैं नेक्स्ट वन पे, हियर वी हैव कैटर एग्जाम क्वेश्चंस। ये गिनती है 12 क्वेश्चन का, जो इनमें चार वो होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, चार पक्का। फिर मैं बोला सर आपने बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्यारी कॉन्सेप्ट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सर ये प्यारी कॉन्सेप्ट है, मैं बोलूँ इसको पायरेट भी बोलते हैं, प्यारी बोलते हैं, हर किसी का बोलने का प्रोनंसिएशन का तरीका अलग है, तो तुम्हें जो समझना था बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हमें उसका कॉन्सेप्ट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव होते हैं मेंटल डेवलपमेंट को, दिमाग से जो डेवलपमेंट हो रही है उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें समझना है, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, चीज़ों को क्लियर करना है, कैसे हम हाईलाइट करेंगे, कैसे बात कर पाएंगे, चीज़ें हमारे फील्ड में कैसे आएंगी, उस पर वर्क करना है। दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आई होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट इज कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्या है, कैसे काम करती है, काम करने का तरीका क्या है, पॉइंट्स कैसे क्लियर कर सकते आप। अभी जो कोलबर्ग थ्योरी है कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पे कैसे काम किया जाएगा, चीजें कैसे समझ में आएंगी, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इस पे ध्यान रखना, कोलबर्ग थ्योरी 100% पेपर में आएगी जब मॉरल डेवलपमेंट की बात हो, तो दिस बी अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम। तो गाइस अभी से तैयारी कर लो। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द इंपैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस। मीडिया का रोल क्या है, पॉजिटिव ले सकता हूँ, नेगेटिव ले सकता हूँ, मैं दोनों ही दूंगा आंसर में। तो मीडिया का इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस पे आ रहा है, और चिल्ड्रन पे जो इंपैक्ट आता है मीडिया का, उसको रिफाइन करना। आपने यस यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द फोन्स दो बीइंग यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स नाउअडेज। हर बच्चा फोन में घुसा हुआ है, तो उसका इंपैक्ट तो आ रहा है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव उसको आपको इन्फ्लुएंस करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। वो फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें समझना पड़ेगा कि यार इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। एवरीबॉडी हैव अ डिफरेंस, मी एंड यू, सीरियसली बहुत बड़ा फर्क होगा यार, आप में और आपके साथ वाले में भी बहुत बड़ा फर्क होगा। तो आपने बोला ये इंडिविजुअल डिफरेंस है जो हर आदमी के एक दूसरे से बदलते ही बदलते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अभी इंडिविजुअल डिफरेंस काम कैसे करते हैं, उसको करने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे क्लियर कर पाते हैं, इनको जानने के लिए आपको ये फॉलोअप करना होगा। ये सारे के सारे आंसर्स ऑनेस्टली डिटेल स्टडी में डिस्कस किए हुए हैं मैंने इसी चैनल के ऊपर, क्लासिक ऑफ लर्निंग। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर नोट्स में आपको मिल जाएंगे, यहीं से नंबर रिफ्लेक्ट होगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट करके नंबर और नोट्स मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, नोट्स आर नॉट फ्री, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट, फिर आपको नोट्स मिल जाते हैं आपके ईमेल आईडी पे। देन एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मैंने बताया मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, गार्डनर थ्योरी कहते हैं हम, द गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब ये मुझे आनी चाहिए, आई मस्ट नो कि गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, इस पे काम कैसे करेंगे, कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टिप होने चाहिए जो हम बड़े नाम से क्लियर कर सकते हैं। तो गार्डनर थ्योरी जिसको आपको डील आउट करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले, इट्स फंक्शंस एंड लिंकेजेस। खेल की विशेषता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, चीज़ों कैसे क्लियर कर सकते हैं, हमारे लिए क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिफाइन करना है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गाइस नीड टू क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट। तो ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, कह रहे हैं एक्सप्लेन, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्ले, इट्स फंक्शन एंड लिंकेजेस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या होता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, हर आदमी का बिहेवियर दूसरे डिपेंडेंट, उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा। एक्सप्लेन बिहेवियरिज्म विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट थ्योरीज। नेक्स्ट, डिफाइन कंस्ट्रक्टिविज्म। ये कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, एक थ्योरी जो दिमाग में डेवलप होती है जिस पर आप काम करते हो, मैं और आप लेके चलते हैं आपको, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। अब उस कंस्ट्रक्टिविज्म के इम्प्लीकेशंस आपको बताना चाहिए। कमेंट ऑन द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। रोल ऑफ टीचर पे आपको कमेंट करना है, वो भी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन पे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल बदल जाएगा टीचर का, उसको क्लियर करना है, उसको इम्पैक्टफुली आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेप्रिवेशन और
डिजायर्ड सर, ये डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कौन सोते हैं भाई, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्राइव जिनको बेसिक नहीं मिल पाते, जिनको बेसिक्स जो एमिनिटीज सबको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाते, उनको डिप्राइव चिल्ड्रन बोलते हैं, उनको डिप्रेशन चिल्ड्रन बोल सकते हैं। चीजें कैसे किए करते हैं हाईलाइट करना है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कॉमन रोल ऑफ द स्कूलिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। स्कूलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, स्कूलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक स्कूल कहाँ से पढ़े हैं आप, उसकी डेवलपमेंट क्या है, मोरल डेवलपमेंट क्या दी गई आपको, वो सारे पॉइंट यहाँ पे। देन कमेंट द रोल ऑफ द स्कूलिंग इन द डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कैन एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन इश्यूज रिलेटेड टू द एडोलेसेंट स्ट्रेस एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। भाई एडोलेसेंट स्ट्रेस क्या होता है, ये वो एज होती है जहाँ बच्चे के फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, तो उसमें बहुत स्ट्रेस है, वहाँ पे टीचर का रोल बहुत मैटर होता है। टीचर क्या रोल प्ले करता है, टीचर कैसे हेल्प करेगा बच्चों को अपअप करने के, वो कैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। तो ये वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। टिल देन कीप वॉचिंग, आई एम गोइंग टू कम विद द न्यू वीडियो जस्ट फॉर यू गाइस।